हेलो स्टूडेंट्स, आपकी ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी हैव टू डिस्कस कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर। कंप्यूटर मेमोरी is an internal storage area in the computer which is used to store data and programs either temporarily or permanently. We broadly divide the computer memory into two groups: primary memory and secondary memory. While the main memory holds instructions and data, when a program is executing, the auxiliary, which is also set to external memory or the secondary memory, hold data and programs that are not currently in use and provide long-term storage. So the to execute a program, all the instructions or data that has to be used by the CPU, the central processing unit, has to be loaded into the main memory. So हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और जो प्रोग्राम हम एक्सक्यूट करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। सो देयर आर सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस। तो क्या है सीक्वेंशियल और रैंडम? द मेमोरी डिवाइसेस कैन बी एक्सेस आइदर रैंडमली और सीक्वेंशियल। तो द मेथड बाय विच मेमोरी डिवाइसेस आर एक्सेस वी आइदर सीक्वेंशियली और रैंडम। तो सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस में डिफरेंस देखिएगा, डाटा यू रीड सीक्वेंसली इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। सीक्वेंशियल एक्सेस में डाटा एक सीक्वेंस ऑर्डर में रीड किए जाते हैं, वन के बाद टू के बाद थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑर्डर में। बट रैंडम एक्सेस में डाटा इज रीड एंड आर्बिट्रेरी मेनर, जैसे वन के बाद टेन, टेन के बाद सिक्सटीन, ऐसे रेंडमली सिक्सटीन के बाद फोर, फोर के बाद ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन के बाद सेवनटीन, सेवनटीन के बाद फिफ्टीन, लाइक दैट। ये रेंडम एक्सेस। सेकेंड, ऑल द रिकॉर्ड्स हैव टू बी ट्रांसफर्स टू रीच द desired part. Suppose if the 99th record is reached, मान लीजिए 99 को हमें उसको एक्सेस करना है, after the first one then all the records have to be traversed through reach the desired part, 1 2 3 4, उसके बाद 99।
ये डिफरेंस रख सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा अगर 99 को एक्सेस करना, तो 1 से लेकर 99 तक की, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न डाटा कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द रिपोर्ट। 50 तक है तो थोड़ा कम, 59 है थोड़ा इस तरह से, बट रेंडम एक्सेस आवेज रिटर्न दैट डाटा इन कॉन्स्टेंट 1 to 10, 10 to 99। तो 1 से 10 के बीच जो समय लगेगा वो 10 टू 99 के बीच, तो रिकॉर्ड में भी स्पेस वेयर इज एट एंड टाइम इज रिटर्न डाटा इन कॉन्स्टेंट टाइम इन रेंडम एक्सेस। एंड टाइम डिवाइसेस कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड, सो सीक्वेंस एक्सेस devices can store a large number of records, so ये सस्ती होंगे। And random access devices are expensive than sequential access devices. Magnetic tape supports in sequential access, magnetic tape supports sequential access, and in random access RAM, जिसको आप रेंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, सपोर्ट रेंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस इज फास्टर इफ रिकॉर्ड्स आर टू बी एक्सेस इन द सेम ऑर्डर। अगर हमें सेम ऑर्डर में रिकॉर्ड्स एक्सेस कराना है तो नो डाउट सीक्वेंशियल एक्सेस फास्ट होगी। एंड रेंडम एक्सेस इज फास्टर इफ रिकॉर्ड्स आर टू बी एक्सेस इन ए रेंडम ऑर्डर। रेंडम ऑर्डर में अगर एक्सेस करना है तो रेंडम एक्सेस फास्ट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आर डायरेक्टली एक्सेस बाई सीपीयू। The primary memory is temporary and secondary memory is permanent. Temporary in the sense जब आप सेव डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं वह परमानेंट है, और अगर किसी डाटा को आप पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वह टेम्परेरी हुआ। And the primary memory is volatile, so it can retain data only when the power is on. Volatile means जब power on है तब तक वो data में memory में है, और जैसे ही power off होता है data गायब हो जाता है। So इसलिए ये टेम्परेरी है, बट सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। और टर्न ऑफ होने के बाद भी इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं, सो इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स पावर ऑफ होने पर भी डाटा रिटेन है। सो primary memory is very expensive and also the limited in capacity. But the secondary memory is cheaper than primary memory and store large volume of data. In short, primary memory data is not portable. एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में वो पोर्टेबल नहीं है, बट सेकेंडरी मेमोरी के डाटा इज हाईली पोर्टेबल। सीडी के द्वारा पेन ड्राइव से ये सेकेंडरी मेमोरी डाटा हाईली पोर्टेबल। इन प्राइमरी मेमोरी डाटा एक्सेस स्पीड इज वेरी हाई,
no doubt. Temporary memory directly accessed by CPU है. It means the data access speed है high, but in secondary memory data access speed is very fast. Now examples of primary memory in early computers, delay lines are used, VDM tubes, rotating magnetic drums, magnetic core memory in 1954 to 1970. After that, semiconductor memory used, and now RAM is used as primary memory, which is volatile. Also ROM, which is non-volatile. Here ROM also primary memory, but it is non-volatile. Read on the memory, and then read access, random access memory. Example of secondary memory are hard disk drive and ODB. So primary memory हमने देखा RAM and ROM. Random access memory and read only memory. So difference between RAM and ROM. Random access memory is any memory cell can be directly accessed because and containing temporary data, but ROM containing permanent or semi-permanent data. RAM is volatile, means power on होने पर मेमोरी नहीं रह जाती है, नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल. इन रैंडम एक्सेस मेमोरी इंफॉर्मेशन बेसिकली लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क, बट इन रॉम स्टोर क्रिटिकल प्रोग्राम लाइक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस टू बूट अप द कंप्यूटर. एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी are of two types, static RAM and dynamic. And ROM is PROM, programmable ROM. And it was read-only memory थी, लेकिन अब उसको read-only memory को advancement वो programmable read-only memory. इसका भी advancement हम देखें तो Erasable ROM, EPROM, Erasable ROM, और उसका भी एक और एडवांसमेंट देखें तो EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली EPROM, ये ROM है. ओके, नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे स्टैटिक RAM एंड डायनेमिक RAM एंड प्रोसेसर.